मस्ताने का अपने प्रभु के चरणों में सच सत प्रणाम। जिज्ञासुओं को आज मैं ये बताना चाहूंगी कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। आस्तिक मने एक नाग का नेम है, नाग, और शेष नाग सदा सर्वदा परमात्मा के जिधर जिधर विचित्र चित्रण किए गए हैं रामायण में, महाभारत में, राम रूप, कृष्ण रूप, शिव रूप, हर रूप में शेषनाग का बहुत महत्व रहा है। एक्चुअली जो हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और बहुत से देवी देवता हैं, उनके चित्र चित्रण है, पुराण है, वेद है, इसके अंदर भगवान को एक चरित्र दिक्त रूप में प्रकट किया गया है। और भगवान को चरित्र के रूप में देखकर बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग उनको चित्र चित्रण करने लगते हैं, उसी रूप में देखने लग जाते हैं, भगवान की वही इमेज बना लेते हैं कुछ लोग तो। कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं, कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, वो उस चरित्र को ही भगवान समझ लेते हैं, जबकि चरित्र भगवान नहीं है। जिधर बॉडी है, बॉडी आने से वो सत्य नहीं रह जाता है। और भगवान तो एक परम सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। तो परमात्मा इस शरीर से बहुत दूर, बहुत हटके है, दूर नहीं है लेकिन हटके है, बिल्कुल पास भी है और दूर भी है लेकिन हटके है, बट शरीर परमात्मा नहीं है। शरीर में परमात्मा है ऐसा भी कह सकते हैं, परमात्मा में शरीर है ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि है ही वही। और इस भेद को जानना इतना सरल नहीं है। हम जिस मायावी संसार में रह रहे हैं, माया के वश में है, कलयुग के प्रभाव में है, तो हम इतने सरलता से इस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तब सवाल है, आस्तिक वो शेषनाग जो परमात्मा ने हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच शेषनाग के रूप में डेरा लगा रखा है, कोई इसको कुंडलनी बोलता है, कोई ध्यान साधना से इसको जागृत करता है, कैसे कैसे भी, ये वो इसको वही आस्तिक है, वही शेषनाग है। हम जितना अपने शरीर से परे होते जाते हैं, शरीर को देखते जाते हैं, अपने शरीर को देखने का अभ्यास करते हैं कि ये मेरे पैर हैं, मेरी टांगे हैं, मेरे बाजू हैं, मेरा जो भी बॉडी पार्ट है, सिर है, सब कुछ है, अपने शरीर को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं शरीर को, कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसको अच्छे से देखते हैं, एक एक अंग के भीतर क्या हो रहा है उसको अच्छे से देखते हैं, तो हमें कहीं इस भेद का कुछ समझ आ सकती है। अगर हम इस साधना में जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को, शरीर के अंदर की हरकतों को देखते हैं, तो हम कुछ समझ पाएंगे कि हम कहाँ हैं। मेरा शरीर, मेरा ये तो बोलते हैं, पर जो अंदर हो रहा है वो किसका है, वो कौन है, वो क्या है, तो थोड़ा आंखें खुल सकती है कि हम क्या है। जिसको हम मैं बोलते हैं वो मैं क्या है, फिर मेरा बोलते हैं वो मेरा क्या है, ये शरीर मेरा, ये भाई मेरा, ये पति मेरा, ये माँ मेरी, ये बाप मेरा, ये सब मेरे, ये सब कर्म भोग है। उस तक पहुंचना, उस साधना का जाना सिर्फ सांसों की प्रक्रिया नहीं है कि हम सांसों को देख लेंगे, सांसों को अंदर बाहर करेंगे और इस सत्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले परम सत्य को देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं क्या हूं,
मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी सोच में क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, कहाँ कितना सच हूँ, कहाँ कितना झूठ हूँ। अंदर से तो मैं किसी के बारे में इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतना दुखी हो रहा हूँ, हाय हाय ये आने वाला है या वो आने वाली है, मुझे बातें हैं आओ जी अब कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, कितनी ढोंग हम कर रहे हैं दिन में। इनको देखना है, जब हम इनको देखना लग जाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम अपने कर्म की यात्रा को देख पाएंगे। उस समय हमारे को मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार है, भाई है या मैं हूं, सब कुछ लुप्त हो जाएगा। जिस दिन सब कुछ लुप्त हो गया, उस दिन मैं आस्तिक हूं, मेज मेरा वो शेषनाग आस्तिक, उसने मुझे दर्शन दे दिए हैं। जब तक उसके दर्शन नहीं होते हैं, मैं ना आस्तिक हूं। जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक है। जिसकी कुंडलनी या आस्तिक या शिशनाग इसको देखा नहीं, इन सब बातों को जान जाना, समझ जाना ही कुंडलनी का जागृत होना है। और कोई ऐसी लाइट, नीली पीली लाल लाइट देखने से कुंडली जागृत होगी, ऐसा अनुमान लगाना सत्य नहीं है। सत्य है सत्य को समझ पाना। सत्य को समझ लिया वही आस्तिक है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला वीडियो में बाकी की बातें करेंगे।